हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजय शाह एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं की रामा किडुंग पामुलेन जीवा आश्रम में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, एक सवाल आया है, मेरे एक व्यूअर ने मुझे व्हाट्सएप में ही पर्सनल मैसेज करके पूछा है कि सर, आपके हिसाब से कौन सी रेकी सीखनी चाहिए, उसवी रेकी और होली फायर रेकी। उसवी रेकी के बारे में आपने कहा है कि इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है, प्लीज गाइड करें कि कृपा करेंगे, धन्यवाद। हालांकि इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो मेरे यूट्यूब में है और भी कुछ वीडियो मैंने बताया है, बट शायद उनको कुछ कन्फ्यूजन है तो उन्होंने पूछा, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसका जवाब दूं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये माया बंदर है कर्माटांग और ये सी बीच है अंडमान निकोबार आइलैंड का, सुंदर सा आप देख सकते हो। तो इस जगह को देखते हुए अगर आपको अच्छा लग रहा है, कृपया अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और पास लेके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप जब भी ऐसे वीडियोस मैं लॉन्च करूँ आपको जल्दी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए अब हम उसी रेकी और होली फायर रेकी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, चलते हुए आप लोगों को बताता हूँ। तो एक्चुअली उसी रेकी एंड होली फायर रेकी में रेकी सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, एनर्जी लेवल पे फर्क है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सर, आपने ही बताया कि कुछ लोग ने गड़बड़ किया है उसी रेकी में। एक्चुअली गड़बड़ क्या है, इंडिया में यानी भारत में जो रेकी चलता है, जहाँ पे 24 अंगों का हीलिंग करो, 7 चक्रा के हीलिंग करो, एंटी क्लॉकवाइज उसको नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करो, क्लॉकवाइज उसको चार्ज करो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें, ऑरा को लॉक करो, चक्रास को लॉक करो, प्रोटेक्शन करो, रेकी के हीलिंग होने के बाद में रेकी का आप कनेक्शन को कट करो, ये सब जो प्रोसेजेस है एक्चुअली जो आप लोग में से 99% लोग करते हैं वो एग्जैक्टली ओरिजिनल उसी ट्रेडिशनल रेकी का हिस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन गलत नहीं बोलूंगा, बट वो इंडिया के जो पुराने ग्रैंड मास्टर्स, एक्चुअली ग्रैंड मास्टर कोर्स भी, दुख की बात है कि एक्चुअली वो कोर्स भी जेन्युइन कोर्स नहीं है। रेकी में ग्रैंड मास्टर नहीं होता है, ग्रैंड मास्टर का मतलब गॉड, अगर आप ऐसे सोचोगे रेकी के लैंग्वेज में। दूसरे दूसरे एनर्जीज में ग्रैंड मास्टर्स है वो अलग बात है, बट रेकी में ऐसा ही बोला जाता है। डॉक्टर मिकाउसी को भी ग्रैंड मास्टर नहीं बोला जाता है, डॉक्टर जुजुरो हायाशी, मिसेस तकाता, अब विलियम ली रैंड सर, कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है। लेकिन इंडिया में 10-15-20 हजार या 50 हजार से ज्यादा ग्रैंड मास्टर है, तो ये बहुत बड़ा विडंबना है। बट जो चीज मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था वो है कि चलो कोर्स आप कुछ भी कर लो, लेकिन जेन्युइन जो प्रोसेसेस है, एक्चुअली हम लोग तो ये तो जानते हैं कि रेकी एक जापानीज प्रोसेस है, और जापानीज प्रोसेस क्योंकि डॉक्टर मिकाउसी एक जापानीज मॉन्क थे और बुद्धिस्ट मॉन्क थे, कुछ ऐसे सीक्रेट साधनाएं उन्होंने की जिससे उनको 21 डेज की साधना के बाद माउंट कुरामा एक झरने के नीचे वो बैठे थे साधना में, सीक्रेट है, किसी को नहीं पता कि उन्होंने कौन से मंत्र चांट किया या सिर्फ मेडिटेशंस किए या कौन से प्रोसेस उन्होंने इम्प्लीमेंट में लाया था, बट उनको सिद्धि मिली और रेकी एनर्जी से दुनिया को पहचान कराई और रेकी पूरे विश्व में धीरे 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 मिसेस तकाता, डॉक्टर चुजुरो हायाशी ऐसे करके फैलते गए। और जब वो आगे बढ़ा है तो भारत में क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम जो हम कुछ करने में बिलीव ज्यादा रखते हैं, तो उसमें क्या हुआ, प्राणिक हीलिंग के कुछ प्रोसेजेस को जोड़ा गया और भी कुछ हीलिंग प्रोसेजेस को जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद में एक नया तरह का रेकी को लॉन्च किया गया जिसको मैं इंडियन रेकी बोलता हूँ, और उसी में 24 पार्ट्स की हीलिंग है, क्रिस्टल्स की यूज करते हैं, क्रिस्टल्स के द्वारा हीलिंग करते हैं। एक्चुअली क्रिस्टल हीलिंग का जो पार्ट है वो क्रिस्टल हीलिंग जो थेरापी होता है, क्रिस्टल हीलिंग का जो कोर्स भी होता है उसका पार्ट है वो जेन्युइन रेकी। डॉक्टर मिकाउसी की रेकी का अगर आप बात करोगे तो उस समय में क्रिस्टल्स रेकी में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन क्रिस्टल को रेकी से चार्ज करके हम सही में शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, ये जो
गलत नहीं है। रेकी एनर्जी आपके, क्योंकि एनर्जी फॉलो योर थॉट, तो रेकी एनर्जी आपके थॉट से काम करता है, आपके थॉट के प्रोसेस से काम करता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गलत कुछ नहीं है। परंतु अगर जेन्युइन रेकी, जो जापानीज प्रोसेस है जिसमें आपको रेकी लेवल वन में आपको गासो, रेजियो, चीरियो, केनुके, ये चार जापानीज मेन पिलर है रेकी के, ये सिखाया जाता है, जो कि शायद आप लोगों में से 90% लोगों या उससे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, है क्या। और उसके बाद में सेकंड लेवल में जैकी करी, जोका हो, कोकी हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे जापानीज टेक्निक से जो सिखाए जाते हैं। और बाद में इंडिया में ये भी हुआ, रेकी में बहुत सारे सिंबल्स नया जोड़ा गया, जबकि उन सब सिंबल्स का रेकी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स उन रेकी का अटूनमेंट भी देता है उन सभी सिद्धियों के। यहाँ तक कि मनी रेकी का जो कोर्स है वो एक फेक कोर्स, अगर मेरी नज़र से देखोगे, मेरे ख्याल से जो जेन्युइन रेकी जानता है उनको मनी रेकी का कोर्स करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज के डेट में देखोगे कि मनी रेकी का भी मास्टर लेवल तक का कोर्स भी हो रहा है, मतलब हर दिन नया बनता जा रहा है। तो उसी जो ट्रेडिशनल रेकी है वो इंडिया से धीरे धीरे गायब हो चुका है, और इंडियन मास्टर, जो पुराने मास्टर्स ने जो इसमें जोड़ तोड़ किए उसको ही इंडिया में सिखाया जा रहा है, भारत में वही रेकी चल रहा है, इसीलिए वो अलग है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल जेन्युइन उसी रेकी सीखते हो और होली फायर रेकी सीखते हो तो कोई फर्क नहीं, सारे टेक्निक सेम है। मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी, वो वीडियो मुझसे कोई पूछता है, मांगता है, आप में से भी कोई व्हाट्सएप करोगे तो मैं लिंक भेजूंगा, आप देख सकते हो कैसे उसी रेकी होली फायर में डेवलप्ड हुआ, कौन कौन से साल में हुआ, किसके द्वारा हुआ। जैसे कि इंसान डेवलप का, आज से 50 साल पहले इंसान की जिंदगी जीने का तरीका अलग था, उस समय मोबाइल फोन्स वगैरह बहुत सारी चीजें नहीं थे, ऐसे इंटरनेट नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी या सीमित लोगों के पास थी। आज के डेट में आम आदमी भी सब चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं और अपने लाइफ को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, बहुत एडवांस हो गया इंसान की जिंदगी। उसी प्रकार देखोगे 50 साल पहले की बीमारी और आज की बीमारी में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए एनर्जी भी जैसे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है, एनर्जी भी अपने आप को डेवलप करता है। उसी प्रकार वो डेवलप करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को या स्पिरिचुअल पर्सन को एनर्जी सिलेक्ट करता है, ईश्वर के द्वारा ये काम होता है, क्योंकि आखिर ऊर्जाएं जो है स्पिरिचुअल एनर्जी है, ईश्वर के द्वारा ही ये डायरेक्ट इस धरती पे तो नहीं आ पाएगा, किसी ना किसी को माध्यम बनाया जाता है। तो विलियम ली रैंड सर के माध्यम से होली फायर की पहचान हुई, हालांकि इसमें स्टोरी बहुत है, वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, वो स्टोरी कभी दूसरे वीडियो में बोलूंगा, लेकिन जेन्युइन जो लॉन्च हुई विलियम ली रैंड सर से के द्वारा, फिर होली फायर के बाद होली फायर 2 आया, होली फायर 3 आया, होली फायर 3 के जब कोविड आया तो होली फायर 3 ऑनलाइन भी एनर्जी आ गई, जो कि होली फायर 3 से भी बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे देखो जितने भी कोर्सेस होते हैं उसका नाम होता है उसी होली फायर, यानी कि उसी डॉक्टर मिका उसी का नाम जोड़ा जाता है क्योंकि रेकी उनसे आया है। तो सारे उसी रेकी के प्रोसेस को सेम वे में यूज किया जाता है, लेकिन एनर्जी डेवलप होके उसी रेकी में जो टेक्निक्स थे उसी को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी लेवल को हाई किया गया, यानी कि उसी रेकी का लेवल अगर ये रहा तो होली फायर का लेवल धीरे धीरे बढ़ते हुए अब बहुत हाई, अब तो वर्ल्ड पीस रेकी आ गया। अभी उसी होली फायर 3 वर्ल्ड पीस रेकी दुनिया में चलने वाली रेकी ऊर्जाओं में से, जितने भी तरह के रेकी चल रहे हैं आज के डेट में, ड्रैगन रेकी वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई, अभी नारायण रेकी, लोटस रेकी, बहुत सारी चीजें रेकी चल रहा है, वायलेट फ्लेम रेकी, कई सारे नाम से रेकियां चल रहा है। बट उनसे मैं, मतलब अगर हम लोग स्कैन करते हैं, हर कोई अच्छा जेन्युइन रेकी का ज्ञाता हो या एनर्जी थेरापिस्ट हो जो स्कैन वगैरह करना आता है, वो अगर स्कैन करेंगे तो रेकी कोर्सेस में आज के डेट में उसी होली फायर 3 वर्ल्ड पीस रेकी सबसे पावरफुल है, बहुत पावरफुल काम करता है, घंटों की हीलिंग मिनटों में भी किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप रेकी को समझे, रेकी को अपने लाइफ में उस प्रकार से इंप्लीमेंट में लाइए, रेकी के पांचों प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाइए, तभी आपको उनका बेनिफिट सही में मिलेगा। तो इस हिसाब से ये आया है। तो अगर हम इसके अंत में इसको निष्कर्ष ये निकलता है कि उसी रेकी और होली फायर रेकी में टेक्निकली कोई भी फर्क नहीं है, बट एनर्जेटिकली उसमें बहुत हायर लेवल एनर्जी आ गया है। बट
इंडिया में जो उसुई ट्रेडिशनल रेकी बोल के सिखाया जाता है, बहुत लोगों के सर्टिफिकेट है उसुई रेकी रो हो सिस्टम करके लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअली वो सिस्टम नहीं है। अगर आपको सही में जैपनीज टेक्निक्स नहीं आती है तो आपका सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं है, आपको जेन्युइन टीचर से सीखना है। तो जैसे मैं हूँ ICRT का एक प्रोफेशनल टीचर, मैं उसुई होली फायर 3 रेकी लेवल 1 लेवल 2 करवाता हूँ, फिर उसके बाद कोई सीखना चाहे मास्टर डिग्री तो उसुई होली फायर 3 वर्ल्ड पीस रेकी मास्टर टीचर का कोर्स होता है, उसके बाद कोई करुणा रेकी करना चाहता है तो उसुई होली फायर 3 वर्ल्ड पीस करुणा रेकी मास्टरशिप का कोर्स होता है, आप लोग कर सकते हो ऐसे सब चीजें। अगर आपको मुझसे कनेक्टेड होना है, मुझसे कोर्स करने, मुझसे और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन में दिया हुआ है वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां से आप लेकर वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपका कोई सवाल इस प्रकार का जेन्युइन सवाल है रेकी से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, या फिर कोई दूसरा जैसे इल्मो गेंदम का कोर्स है या दूसरा एंजल हीलिंग का कोर्स है, कोई सवाल है आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका जवाब मैं इस प्रकार से वीडियो से जरूर दे दूंगा, कोशिश करूंगा अगर सार्वजनिक दिया जा सकता है। और मेरे यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे भी आप लोग कमेंट करें ताकि आप लोगों को ये सारे जो भी मेरे मुझे ज्ञान है मैं आप लोगों को दे सकूं, क्योंकि ज्ञान बांटना या वो ज्ञान किस काम का जो दूसरे के काम में ना है, मैं वही कोशिश करता हूं, लेकिन कई लोग उसमें भी शिकायत करते हैं, बट मैं माफी चाहूंगा, बहुत सारे सीक्रेट कोर्सेस है जो सबके लिए नहीं है। अगर सबके लिए होता, रेकी आम सबके लिए, कोई भी सीख सकता है रेकी आप सीखो, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट कोर्सेस है सबके लिए नहीं है, क्योंकि प्राचीन इतिहास है कि अगर ये सबके लिए होता तो उसी समय सबके लिए हो जाता था। आज अगर सबके पास वो एनर्जी नहीं है, लोगों के लिए नया दिख रहा है तो यानी, लेकिन एनर्जी पुराना है तो एनर्जी सीक्रेट है, गुप्त लोगों के लिए ही है। धन्यवाद मेरे वीडियो के इतने देखने के लिए, मेरी ओर से आप सभी के लिए रेकी ब्लेसिंग्स।